अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ईद कुर्बा करीब आ रही है और बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ अपनी होम कंट्रीज ट्रेवल कर रही हैं, तो ये ऑब्वियस है कि उनका एक्सपोजर स्पेशली बच्चों का जानवरों के साथ हो सकता है। जैसा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से बच्चों का और जानवरों का प्यार रहा है। ये ईद जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियाँ फन लेकर आती है, वहाँ बाज़ों का बहुत छोटी सी बेहतियाती की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उन बीमारियों में कॉमन फंगल इन्फेक्शन से लेकर एक सीरियस खुदा न खास्ता बीमारी होती है जिसको हम कॉमन हेमरेजिक फीवर कहते हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसी अहम प्रिवेंटिव मेजर्स का या एहतियाती तदाबीर का जिक्र करेंगे जिन पर अमल करके इन बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। सबसे पहले ये तसल्ली कर लें कि जानवर खरीदते वक्त उसकी स्किन को अच्छे तरीके से वॉश किया गया है, डिसइंफेक्ट किया गया है और जानवर की स्किन पे कोई जख्म नहीं है। नंबर दो, अपने बच्चों को जानवरों के साथ खेलने और उनको टच करने के बाद उनके हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धुलवा लें और बच्चों को समझाएं कि जानवरों के साथ खेलने के बाद वो अपने हाथ या उंगलियां अपने मुंह या नाक में ना डालें, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां इसी रूट से जाती हैं। नंबर थ्री, अगर हो सके तो बच्चों को लाइट कलर के कपड़े पहनाइए, फुल स्लीव्स के साथ पहनाइए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्गो हेमरेजिक फीवर एक वायरल बीमारी है जो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये ज़्यादातर एक टिक से ट्रांसमिट होती है। अगर बच्चों ने लाइट कलर के कपड़े पहने होंगे तो टिक आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और दूसरा ये कि उसके बाद अपने बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे तरीके से धो लें। नंबर चार, गोश्त को अच्छे तरीके से पका के खाइए और कम मिकदार में खाइए ताकि पेट की बहुत सारी बीमारियों से बच जाइए। एट द एंड मैं ये कहूँगी कि अपने आप को और अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स और डीप फ्राइड फूड से बचाइए ताकि उनका गला सही रहे, उनकी सेहत सही रहे और आप ईद के मज़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। ईद मनाइए अपनी और अपने बच्चों की खुशियों के साथ। आप सबको पाकिस्तान मेडिकल सेंटर की तरफ से ईद कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हो।